वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे 11th क्लास के फर्स्ट लेसन को, जो कि था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उसी का सेकेंड पार्ट है अब ये, अ फोटोग्राफ। हमने जैसा कि फर्स्ट लेसन पढ़ा है, उसका फर्स्ट पार्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसमें एक पिक्चर होती है, उसमें उसकी दादी माँ को याद करते हुए पूरा वर्णन करता है अपने और दादी माँ के बीच के संबंध का, उम्र के अलग अलग पड़ाव पे। तो वैसे ही अब ये जो हम पोएम पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट लेसन के ही अंतर्गत आती है, जो कि आपको पेज नंबर 11 पे मिल जाएगी, अ फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ से भी हमें वैसा ही कुछ अनुमान हम लगा सकते हैं कि किस तरह की पोएम होगी, कि एक फोटोग्राफ के बारे में कुछ बताया जाएगा। पोएम बहुत बड़ी नहीं है, हमारी बुक में पेज नंबर 11 पे मिल जाएगी, और उम्मीद है कि आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और उसके जो मीनिंग्स वगैरह है वो भी आपने अच्छे से समझे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, लेकिन इतने भी कठिन नहीं है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक कुछ कठिन से इजी होगा भी नहीं। तो अब हम देखते हैं इसका पोयम के बारे में कि क्या बताया गया है। इसके जो पोइट है वो कौन है? शिर्ले टॉलसन। हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, पूरी आपको बुक भी अवेलेबल है एक तरह से, लेकिन अपनी बुक सामने रखें, और बार बार ये आपको वीडियो देखना ना पड़े, इसलिए आप अपनी बुक में ही जो टफ वर्ड्स लगे, कठिन शब्द लगे, उसके मीनिंग्स लिखते जाए। तो पोइट का नाम ध्यान रखें, शिर्ले टॉलसन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पोयम का फर्स्ट स्टेंजा। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। इसमें आप मीनिंग देखें, पहले तो पैडलिंग कहते हैं पानी में पैर मारने को, छपछपाने को, है ना। पानी में जो मस्ती करते हैं, पैर ऐसे हिलाते हैं, तो पैर छपछपाना। और कार्डबोर्ड कहते हैं वो मोटे जिल्द वाला जो पुष्टा होता है उसे, कि ये जो फोटोग्राफ की बात हो रही है इस पोयम में, वो एक पहले के टाइम पे एक कार्डबोर्ड पे उस पुष्टे के ऊपर चिपकाया गया था। तो वो कार्डबोर्ड क्या बताता है उसे, यानी कि पोइट को, जब वो पोइट देख रही है उस कार्डबोर्ड को, ये जो पोइट है वो एक कवित्री है ना, एक महिला है। तो यहाँ पे वो दर्शाता है उस कवित्री को, उस पोइट को, कि कैसे वो दोनों जो गर्ल कजिन है, कजिन यानी कि जो चचेरी या मामेरी या मौसेरी बहनें होती हैं, उनको कहते हैं कजिन। तो वो जो दोनों कजिन बहनें हैं, वो कैसे उस पानी में पैर छपछपा रही है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और वो दोनों ही जो चचेरी बहनें हैं, वो इस पोइट की माँ का हाथ पकड़े हुए हैं, दोनों ने अपना एक एक हाथ पकड़ा हुआ है उनका। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि फोटोग्राफ में कौन है? तीन जने हैं। इस तीन लाइन से तो हमें यही समझ में आया कि तीन जने हैं, बीच में पोइट की माँ है, और दोनों साइड आइदर साइड कौन है? उनके जो सिस्टर है, कजिन सिस्टर है। अब आगे देखें, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 और 100 ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स एट द अंकल विद द कैमरा। और जो बड़ी लड़की है, जो उन तीन में से जो जो कजिन में से जो बड़ी वाली लड़की है, करीब 12 साल के लगभग की, तो वो और जितने भी तीनों हैं, वो सभी स्टिल, बिल्कुल स्थिर खड़े हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं अपने बालों के बीच में से। बालों के बीच में से मतलब अब वो पानी में थे, तो वहाँ पे उनके जो बाल है वो भी उनके चेहरे पे आ रहे थे। तो जो चेहरे पे आ रहे थे, उस बालों के बीच में से वो स्माइल करते हुए देख रहे थे अपने अंकल को कैमरे की तरफ। कैमरा किसके हाथ में था? अंकल की तरफ, अंकल के हाथ में था, और वो उनको देख रहे थे। तीनों मस्ती कर रहे थे पानी में, है ना। पानी, क्योंकि वो बताया ही है, पेडलिंग कर रही थी, पानी में पैर छपछपा रही थी। फिर आगे देखे, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो बहुत ही प्यारा सा चेहरा था मेरी माँ का, जो पोइट देख रही है फोटोग्राफ को, उसको देख देख के वो सब कह रही है कि बहुत ही प्यारा चेहरा था मेरी माँ का, जो कि मेरे जन्म से पहले का था। वो फोटोग्राफ कब का है? पोइट के भी जन्म से पहले का। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरेबली ट्रांजियंट फिट। और जो समुद्र था वो, जो कि बहुत ही कम बदला हुआ प्रतीत हो रहा था, इसमें देखिए अपियर यानी प्रतीत होना, और समुद्र तो युगों युगों से समुद्र वैसा ही है, उसमें कोई बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। तो
वो कह रहा है कि मतलब कवित्री कह रही है कि जो समुद्र है जो कि अब तक बहुत ही कम परिवर्तन जिसमें प्रतीत हुआ है, तो वो समुद्र का जो पानी है वो उनके टेरिबली टेरिबली कहते हैं भयानक को, और ट्रांजिएंट कहते हैं क्षणिक को, मतलब थोड़े से को, क्षणिक, कि जो वो समुद्र का पानी था वो उनके पैरों को बहुत ही भयानक तरीके से क्षणिक गीला कर रहा था, भिगो रहा था, है ना, मतलब भयानक तरीके से कैसे, क्योंकि समुद्र का पानी है तो वो जब उसकी लहरें आती है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है और हमको साथ में ले जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो वो टेरेबली शब्द का यूज़ किया है, वरना उसका अर्थ यही है कि बहुत ज़्यादा उसके पैरों को वो भिगो रहा था समुद्र का पानी, और वो समुद्र के पानी में वहाँ का पूरा सीन है। तो अब हम ये समझ में आया होगा, फर्स्ट स्टेंजा आप देखें नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ, कि सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लाफ शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, कि करीब 20 या 30 वर्ष बाद जब उसकी मम्मी ने, जब वो उनके पोइट की मम्मी ने, जब ये मदर ने जब ये स्नैपशॉट देखा, स्नैपशॉट यानी वे चित्र, कि जब ये चित्र देखा तो वो उसको देख के हंसती, यानी कि अपने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए वो भी उस खुशी के पल को याद करती, और क्या कहती, देखे कुछ कहा गया है आगे डबल इन्वर्टेड में, कि सी बेटी एंड डॉली शी वुड से, और वो क्या कहती है कि देखो बेटी को देखो, देखो डॉली को देखो, है ना, ये दोनों ना कजिन सिस्टर के नाम है ना, जो उनका हाथ पकड़े हुए थी, है ना, बेटी और डॉली, ऐसा वो कहती उस चित्र को देख के। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं बीच के लिए, बीच यानी जहाँ समुद्र किनारे वो नहाने गए थे, तो उन्होंने ड्रेस कैसे पहने हुए हैं, जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होंगे वो पहने हुए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर। अब देखें थोड़ा सा इसमें क्या है कि पोयम में क्या होता है, बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादातर जो भावनाएं हैं, जो जानकारी है, वो व्यक्त कर दी जाती है, तो इसीलिए थोड़ा कहीं कहीं समझने में अपनों को कठिनाई होती है, लेकिन आप शब्दों पे और उसके कंटेक्स्ट पे ध्यान दें कि किस संदर्भ में वो शब्दों का किस तरह से यूज हुआ है। तो क्या कहा है कि द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, कि जो समुद्र की वो छुट्टियां थी, यानी कि समुद्र में जब वो वहाँ खेलने मतलब घूमने मस्ती करने गए थे, तो वो उनका पास्ट था, यानी कि जब वो 20-30 साल बाद जब वो मम्मी उसकी मदर जो है वो देख रही थी अपनी ही तस्वीर को, याद कर रही थी पिछले गुजरे हुए समय को, तो वो उनका पास्ट था, और माइंड इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनका वो लाफ्टर पास्ट हो गया, यानी कि उन जो उसकी माँ थी, उनकी माँ थी पोइट की, वो अब वो हंसी नहीं रही जो कि उसके लिए पास्ट हो गया है ना, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, कहीं कुछ भी डाउट हो तो आप बेक कर लें वीडियो को। बोथ व्राय विथ द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, अब इसमें देखे मीनिंग पहले तो, कि व्राय कहते हैं प्रयास को, व्राय यानी प्रयास, ट्राई कहते हैं, लेकिन ये यूज किया गया है वर्ड इस संदर्भ में। फिर लेबर्ड इज ऑफ लॉस, लॉस तो कहते हैं हानि को, क्षति को, लेबर्ड मतलब कठिनाई को, लेबर्ड यानी कठिनाई को, लेबर यहाँ मजदूर की बात नहीं हो रही, लेबर्ड यानी जिसमें परेशानी हो, कठिनाई हो, समस्या हो, और ईज कहते हैं आसान को, है ना, सामान्य को, ईज कहते हैं सामान्य को या आसान को, हम सामान्य लिख लें। तो क्या कहा है, इसके पहले लाइन आपको कंटिन्यू दिमाग में होनी ज़रूरी है, कि उनका वो गर्मी की जो जो मतलब सॉरी समुद्र की जो छुट्टियां थी वो उनके लिए उनका गुजरा हुआ समय था, और मेरे लिए उनकी वो हंसी गुजरी हुई है, यानी कि वो समय बीत गया, दोनों एक दूसरे के खुशी भरे पल को याद कर रहे हैं, लेकिन वो गुजर चुका है। तो अब कहा है बोथ व्राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, कि हम दोनों ही उस क्षति को, उस नुकसान को, नुकसान कौन सा, वो प्रसन्नता का पल जो अब गुजर चुका है, तो हम उस क्षति को बहुत ही कठिनाई से सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, यानी कि कुछ ऐसे समय ऐसे नुकसान होते हैं हमारे, क्षति होती है, ऐसी हानियां होती है जिसको हमें कठिनाई से सामान्य दिखाने की कोशिश करना पड़ती है ना, क्योंकि कोई गुजरा हुआ पल है, कोई गुजरा हुआ व्यक्ति है, तो वो आ नहीं सकता। और इस लाइन से ये भी समझ में आता है कि अब जो जिस फोटोग्राफ को देखकर पोइट इतना सब याद कर रही है, तो वो उसकी जो मदर है अब नहीं रही है ना, यानी कि अब वो मर चुकी है, और उसके बाद जब ये फोटोग्राफ दिखती है तो वो उसकी मदर की जो खुशी उस चित्र
चित्र में दिखाई देती है उस फोटोग्राफ में, वो उसको याद करती है और साथ में उसके जो खुशी भरा पल था उनको भी याद करती है। फिर अब अगला और लास्ट स्टेंजा है, कोई बड़ी पोएम तो है नहीं, कि नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। कहा है कि जो वो उसकी मदर थी वो उनको मरे उतने ही साल हो गए हैं करीब, जितने वर्ष वो जी थी, जितने वर्ष वो जिंदा थी। यानी कि अगर वो 60, 65 या 70 साल जिंदा रही तो वो उनको गुजरे भी उतना टाइम हो गया है। यानी कि वो 60-70 साल अगर हम अनुमानित सोचें कुछ भी, तो 60-70 साल बाद ये फोटोग्राफ को देख के वो पोइट याद कर रही है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस घटना के बारे में अब कुछ भी ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास नहीं है। क्यों, कौन सा घटना? क्योंकि जो सब गुजर चुका है, जिस फोटोग्राफ में वो अपनी माँ को देखकर याद कर रहा था उनकी खुशी को, और सेकंड पैराग्राफ में जैसा आपने देखा कि वो भी खुद के फोटोग्राफ को देखकर उस समय को याद कर रही थी, तो ये दर्शाता है कि इस घटना के बारे में अब और ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि जो गुजर चुका है, जो नुकसान हो चुका है वो हो चुका है। कुछ नुकसान हमारी गलतियों की वजह से होते हैं और कुछ नुकसान समय की वजह से होते हैं जो कि परिवर्तनशील है ना, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि किसी व्यक्ति का जाना, जो आएगा वो जाएगा भी। तो इसकी लास्ट लाइन है कि इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कि इसकी जो शांति है वो मुझे शांत कर देती है ना। इसमें देखे प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है, लेकिन इसकी जो शांति है वो मुझे शांत कर देती है। यानी कि वो सब अब व्यक्ति के जाने के बाद क्या रह जाती है, सिर्फ उसकी यादें और शांति। तो जो शांति है वो मुझे शांत कर देती है, उनको याद कर करके वो ऐसा सोचती है पोइट। तो ये एक बहुत ही इजी सी और उसी फर्स्ट लेसन जो कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के संदर्भ में एक छोटी सी पोयम थी। और ये क्योंकि सेम समान अर्थ रखने वाले हैं, सेम एक जैसी कुछ कॉम्बिनेशन है इसका, है ना, तो इसीलिए इसको इसी के अंतर्गत रखा गया है। फर्स्ट लेसन का ये सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट। इसमें देखें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, आप अपनी बुक में पेज नंबर 12 पे देख सकते हैं। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, और क्योंकि मैंने कहा है कि आपको क्वेश्चन अब असाइनमेंट के रूप में या एग्जाम में इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं जो आपकी बुक में छपे हुए नहीं हैं, और आपको उस लेसन के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप अच्छे से समझें और खुद उन क्वेश्चन के आंसर को लिखने की कोशिश करें, या कम से कम जरूर उसको समझने की कोशिश करें। तो ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।